नमस्कार मित्रों, के नए वीडियो में फिर स्वागत करता है आपका AMT यूट्यूबर भाई। आज बनारस के घाटों पर भी देख सकते हैं चुनार के पत्थर लगाने का काम शुरू हो गया है। जो घाट गड़बड़ है देख सकते हैं, वहाँ पे काम हो रहा है, चुनार के पत्थर लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्कर्स लगे हैं, काम हो रहा है, देख सकते होंगे। अगर आपको AMT यूट्यूबर भाई का भी हेल्प करना चाहते हैं तो मेरा अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कुछ आप कुछ हेल्प कर देंगे मेरा तो मुझे अच्छा लगेगा। इस समय घाट पर हूँ, घाट पर देख सकते हैं जो पत्थर ख़राब है उस पुराने पत्थर हटा के नए पत्थर लगाया जा रहा है, जो कि इसको चौका भी बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पे, देखिए अभी इसको हटाया गया, देखिए यहाँ पे जो नए पत्थर लगाए जा रहे हैं चुनार के पत्थर ये हैं। सामने देख सकते काम हो रहा है। ये जो पत्थर है काफ़ी चौड़े चौड़े पत्थर हैं, जो रोडों पे लगाए गए वो वैसा पत्थर नहीं है, ये थोड़ा चौड़ा पत्थर है मैं देखा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। इसमें देखते हैं घाट पे काफ़ी लोग हैं, देख सकते हैं। और सामने देखते हैं जल पुलिस है। इस समय देखिए राजेंद्र प्रसाद घाट पे हूँ मैं, देखिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको दूर से कि देखने को जो लग रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस यही कि इस पर गंदगी ना करें लोग, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ किनारे कितना पान थूका गया है। आपको बताते हैं यहाँ पे फूल माला भी मिलता है, अगर आप आए तो गंगा जी में चढ़ाने, जैसे कि लोग आरती के लिए चढ़ाते हैं, आप लेके चढ़ा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे घाटों को भी जटने का भी काम करते हैं, तो थोड़ा इससे अगर कभी आप आए बनारस में तो थोड़ा इन लोग से बच के रहिएगा, कहेंगे कि मालिश करा लीजिए, मालिश करा लीजिए, यही कहेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर मालिश करने वाले लोग रहते हैं इसलिए। यहाँ पंडा जी भी बैठते रहते हैं, कहीं टीका लगवा लीजिए, थोड़ा इन लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा, बस यही कहूँगा मैं। देखिए यहाँ पे देखिए सीमेंट द्वारा पत्थर लगाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे बालू वालू फेंट, इसको फेंटने के बाद यहाँ पे देख पत्थर लगाया जाएगा। देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ तो काफ़ी पुरानी है, तो सीढ़ियों को जो पत्थर ख़राब हो गए उसको हटा के नए पत्थर लगाया जा रहा है। अगर वीडियो मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो लोग बाहर से हैं तो वीडियो मेरी देख सकें, ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि बनारस में कितना काम हो रहा है। क्योंकि बता दें कि यहाँ पे आरती देखने के लिए दूर दूर से लोग काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ पत्थर लग जाए तो और काफ़ी अच्छा रहेगा देखने में। ये सामने देख सकते हैं चेंजिंग रूम बनाया गया है लेडीज़ के लिए, ताकि यहाँ पर जो स्नान जो करते हैं यहाँ पर आके कपड़ा चेंज कर सकें। देखिए मैं आपको फ्लोटिंग जेटी से दिखा रहा हूँ आपको सामने घाट का नज़ारा, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये लोग दूर दराज से लोग आए हैं यहाँ पे स्नान करके दर्शन पूजा भी करते हैं जाके। देखिए मैं दूर से दिखा रहा हूँ, घाट काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बस यही है कि यहाँ पे लोग गंदगी ना करें, बस यही, बाकी सब बढ़िया है। देखिए आपको दिखा रहा हूँ दूर से, साइबेरियन पक्षी भी थे। जो सामने देख रहे हैं टंकी जो लगा है, टंकी में जो पेंटिंग की काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए यहाँ पे लोग स्नान भी कर रहे हैं, देख सकते होंगे सामने कुछ इस तरह का नज़ारा है घाटों का। अगर मैं घाटों का यहाँ पे जो आरती होती है दशाश्वमेध घाट पे, उसकी भी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। देखिए जो यहाँ पे हेल्प जैकेट जो बोला गया था कि वो हेल्प जैकेट लिया था लड़का, बहुत से नाव वाले इसका उपयोग कर रहे हैं, बहुत से नाव वाले इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब पानी देखिए काफ़ी चमक रहा है क्योंकि धूप से। यहाँ पर जो खड़ी है, खड़े हैं सामने नाव के लिए खड़े हैं कि ये देखिए समय में आ गया हूँ मैं मानमंदी घाट पे, मानमंदी घाट का ये देखिए है। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए समय में आई मानमंदी घाट का, ये डॉल्फिन रेस्टोरेंट है। अगर आप बताएंगे बनारस में अगर आएंगे तो आपको घाटों पर काफ़ी रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे और होटल भी मिल जाएंगे रहने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। देखिए समय आ गया हूँ, देखिए यहाँ पे एक साइनिंग बोर्ड लगाया गया है घाटों पे, जो कि काफ़ी अच्छे दिखने में अच्छा लग रहा है। आपको बता दूँ कि पूरे घाटों पे लगाया नहीं गया है, इस समय मेरे घाट पे देखिए यहाँ पे डस्टबिन बनाया गया है, ताकि लोग कूड़ा बाहर ना फेंकें, इस डस्टबिन फेंक सकें। देखिए आप अगर घाटों पर आएंगे, देखिए आपको घाटों पर कई सारे होटल मिल जाएंगे। देखिए ये सामने देख रहे हैं हल्का होटल ये है, क्योंकि काफ़ी फॉरनर जो आते हैं इसी में अधिकतर रुकते हैं, इसमें तो फॉरनर भी नहीं आ रहे कोरोना की वजह से।
तो घाटों में थोड़ा काफ़ी भीड़ भाड़ आता था क्योंकि लोग दूर दार से आते थे देख घूमने फिरने के लिए, इसलिए काफ़ी समय नहीं आ रहे लोग। देखिए मेरे घर का नज़ारा है और सामने देखते हैं काशी विश्वनाथ गाइड का काम भी चल रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। वीडियो को यहीं समाप्त।